दोस्तों एनसीईआरटी की तरफ से नई टीचर्स रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पीजीटी, डब्ल्यूईटी और प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसियां हैं। अपर एज लिमिट 40 साल पीजीटी के लिए निर्धारित की गई है। इसी तरह से डब्ल्यूईटी और पीआरटी के लिए भी अलग अलग एज लिमिट है। वो जानकारी आपको इस वीडियो में आगे प्रोवाइड करा दी जाएगी। सैलरी 27,500 रुपए पर मंथ फिक्स आपको इसमें मिल जाएगी। सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से इनके ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके साथ इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट से जुड़ी अपडेट पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। ये है दोस्तों डिटेल्ड नोटिफिकेशन। सबसे पहले वैकेंसी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की एक ही पोस्ट 27/9/2024 दोपहर 1 बजे आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। इनके लिए 50% अंकों के साथ आपने बीई, बीटेक, बी या बीटेक कर रखी हो कंप्यूटर साइंस या आईटी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, या फिर बी बीटेक किसी भी स्ट्रीम में आपने कर रखी हो पर उसी के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर में कर रखा तो भी आप एलिजिबल हैं, या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस में या एमसीए आपने कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं, या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस में या बीसीए आपने कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर में आपने कर रखा है एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट आपके पास है तो भी आप एलिजिबल हैं, या फिर बी लेवल फ्रॉम डीओईएसीसी आपने कर रखा है एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में उसी के साथ साथ आपके पास है तो आप एलिजिबल है, या फिर सी लेवल फ्रॉम डीओईएसीसी कर रखा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ग्रेजुएशन आपने उसी के साथ साथ कर रखी है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप बच्चों को पढ़ा पाएं। अपर एज लिमिट 40 साल है। इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस टीचर कंप्यूटर साइंस की दो वैकेंसियां हैं। 27/9/2024 दोपहर 2 बजे इंटरव्यू आपका कंडक्ट कराया जाएगा। 3 साल का डिप्लोमा हायर सेकेंडरी के बाद आपने कर रखा कंप्यूटर में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से तो आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं, या फिर बीएससी टेक और बीएड आपने कर रखी हो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर, मैसूर, भोपाल या अजमेर से तो भी आप एलिजिबल हैं। अपर एज लिमिट इनके लिए 35 साल है। पीआरटी की दो वैकेंसियां हैं। 26/9/2024 प्रातः 10 बजे आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। 10+2 50% अंकों के साथ और इंटरमीडिएट विद 50% मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट और उसी के साथ साथ सीटेट प्राइमरी का जो कंडक्ट कराया जाता है सीबीएसई के द्वारा वो भी आपका क्लियर होना आवश्यक है और कॉम्पिटेंसी टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। अपर एज लिमिट 30 साल इनके लिए निर्धारित की गई है। इसके बाद वोकेशनल एजुकेशन टीचर आईटीआईटीज की एक वैकेंसी है। इनके लिए डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर बैचलर्स डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन में या कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर बीसीए आपने कर रखा हो या बीएससी कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपने कर रखा हो और ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है और उसके साथ साथ पीजीडीसीए कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं, या फिर डोएक ए लेवल सर्टिफिकेट आपके पास है तो भी आप इनके लिए एलिजिबल हैं। ये मिनिमम कॉम्पिटेंसी है, आप देख सकते हैं मिनिमम एज 18, मैक्सिमम एज 37 साल इनके लिए निर्धारित की गई है। एज रिलैक्सेशन एससी, एसटी, ओबीसी और पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट्स को एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स मिल जाएगा। सैलरी पीजीटी को 27,500 रुपए मिलेगी, डब्ल्यूईटी को 26,250 रुपए, पीआरटी को 21,250 और वोकेशनल टीचर को 25,000 रुपए पर मंथ यह सैलरी दी जाएगी। इंटरव्यू से कम 1 घंटा पहले आपको पहुंच जाना है। सभी एसेंशियल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने होंगे और ये एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको भर के लेके जाना होगा। रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर की तरफ से जारी किया गया है। दोस्तों ये है ऑफिशियल वेबसाइट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर की riebbs.ac.in। यहां पे जरा सा आप नीचे आएंगे तो ये देखिए वॉक इन इंटरव्यू फॉर एंगेजमेंट ऑफ वेरियस टीचिंग पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्टल बेसिस ऑफ डीएम स्कूल फॉर सेशन 2024 25 एडवर्टाइजमेंट नंबर 493। आप यहां क्लिक करेंगे, इस प्रकार से डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा और इसी में नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।